तो चलिए स्टूडेंट, M3 R5 का जो पेपर है वो हमारे पास आ चुका है, उसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं फटाफट। तो पेपर थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था, तो आप कह सकते हैं इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। थोड़ा सा इजी, थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, बाकी तो लगभग सेम ही है। अगर हम ये देखें, यानी फोर टाइप वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप ऑप्शन, तो लगभग सेम ही सभी में दिए गए। ऑब्जेक्टिव में वही चीज़ दे दी गई, वही चीज़ आपको इसमें भी दे दी गई, तो लगभग सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम अपने उससे मिलाएं, अपने गेस पेपर या उससे, तो उससे आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिले हैं, डिफाइन नंपाई का क्वेश्चन मिला है, फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद आया जरूर होगा हर चैप्टर से, देखिए डिफाइन पाइथन प्रोग्राम टू रिकर्सन आया, डिफाइन ये कल ही आपको बताया गया था, टपल्स के बारे में है, ठीक है। व्हाट हाउ विल यू क्रिएट पैकेज, एक्सप्लेन लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, उसके बाद हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ये अलग चीज़ है। हम लोग आते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव पे, उसको सोल्यूशन करते हैं फटाफट। तो इजी था थोड़ा सा पेपर आपका कह सकते हैं। तो पहला देखते हैं, 1.1 लिखा है, ए बराबर मीट आफ्टर पार्टी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, बहुत सिंपल सा है, इसका आउटपुट आएगा आपका सी आएगा, यानी कि इसमें आपको एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 1.1 का ऑप्शन लगा ले सी, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट है, गलत है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको करेक्शन हम कर देंगे। बाकी हमारे तरफ से 100% नहीं, लेकिन 99% जो भी की दी जाती है वो ठीक होती है, ठीक है। 1.2 है हमारा यहाँ पे, इसको प्रिंट अगर हम करेंगे तो इसमें आउटपुट आपको मिलेगा, हम इसका आउटपुट निकाल चुके हैं, तो ए ऑप्शन मिलेगा इसमें, 111 इसमें प्रिंट होके आएगा, ठीक है। अपना प्रिंट करके देख लें, लिखेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। 1.3 है, पूछा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल, इसमें से इनवैलिड कौन सा, ये आपका इनवैलिड होगा, इसकी थ्योरी जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ किया जाता है। आप बोलेंगे ये क्यों नहीं है, तो ये भी आपका जो जब दो वैल्यू होती है उनके बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग अंडरस्कोर स्लैश का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बनेगा इसमें डी, ठीक है। हो गया 1.3, 1.4 पे चलते हैं फटाफट, मैं सोल्यूशन करता हूँ, हमको आपको दो दो पेपर सॉल्व करने होते हैं। 1.4 है, फाइंड ऑफ द आउटपुट फॉर पाइथन प्रोग्राम, इसमें है, तो 1.4 का ऑप्शन जो बनेगा इसमें बनेगा, देखिए इसके अनुसार जो ऑप्शन बनेगा 1.4 का सी ऑप्शन आएगा, यानी कि ए बी कॉमा सी डी, ठीक है। जब आपको प्रिंट दोनों को प्रिंट करेंगे, इन दोनों की वैल्यू सेम यही आएगी, ये वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगी, ठीक है। जिसका आउटपुट हमने निकाल के देख लिया, 1.4 का सी ऑप्शन बनेगा, बाद में अपना आप कंप्यूटर में इसका आउटपुट निकाल के देख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर। 1.5 है, इसमें अब ये वैल्यू दी गई है, इसका जब आउटपुट निकालेंगे तो आएगा ए आएगा 2.0002.8.3.77, ठीक है। तो ए इसमें टिक कर लें। 6 पे चलते हैं, 6 है आपका, पूछा गया है ये जो कंडीशन दी गई इसमें GF2G का आउटपुट निकालना, ठीक है। अगर GF2G का निकालेंगे, GF21 का निकालेंगे, तो फिर अलग अलग वैल्यू आएगी, 1 में आपकी ये वैल्यू आएगी, 2 जो हम लोग निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.1, तो ऑप्शन बनेगा 1.6 का बी, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 7 पे चलते हैं फटाफट, 7 ने प्रिंट करना है, सपोज एक टी बराबर 1 2 3 4 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट होगा इसमें से, तो 1.7 का बी प्रिंट होगा, टी 3 = 45, इसका भी आउटपुट आप निकाल के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 8th का जब आउटपुट निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स, तो 1.8 में ऑप्शन आएगा आपका बी आएगा, यानी कंडीशन आपकी क्या आएगी, फॉल्स आएगी, ठीक है। 1.9 पे चलते हैं, 9 है आपका, वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलो होगा रिकर्सन के संदर्भ में, कौन सा स्टेटमेंट में फॉलो होगा, तो 1.9 का डी ऑप्शन बनेगा, एवरी रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव रिटर्न वैल्यू, ठीक है। 10 नंबर है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसमें आउटपुट कौन सा आएगा, इसमें आपको आउटपुट आएगा डी आएगा, यानी कि 5 आपका इसमें प्रिंट होगा, आप इसका आउटपुट निकाल के देख सकते हैं, इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा पाइथन पे, आप लिखें आउटपुट निकाल के इसमें कमेंट करें, ठीक है। तो ये हो गए आपके, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसमें देखते हैं क्या है, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, चलिए मैच द कॉलम देख लेते हैं पहले। मैच द कॉलम है, एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, ठीक है, कि इसमें किस कैटेगरी में एरर आपको नहीं मिलेगी देखने को, तो उसमें के ऑप्शन बनेगा सिंटेक्स एरर, ठीक है, जिसका पहले का के लगा लें आप। 3.2 है, द आर्गुमेंट हैव इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाइड, किसमें इनवैलिड वैल्यू मिलती है, डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि वैल्यू को एरर होती तब आपको इसमें मिलती है, ठीक है, डी इसमें टिक कर लें। ओपन ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी कोड, किसमें मिलता है, 3.3 का ई ऑप्शन बनेगा, आर आर बी प्लस फाइल में, ठीक है। 4 है,
फंक्शन ब्लॉक बिगेन विद द कीवर्ड, फंक्शन ब्लॉक कीवर्ड किसमें 3.4 का बन जाएगा आपका, एच बनेगा यानी कि डेफ। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट, राइट से नेगेटिव काउंट करना है आपको, 3.5 का ऑप्शन बनेगा, एम बनेगा यानी कि एम में देखते हैं यहाँ पे लिखा होगा एल ब्रैकेट में माइनस के 1, नेगेटिव में अगर आपको काउंट करना है। 6 पे आते हैं, मेथड डिस्प्ले करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए कौन सी है, 3.6 का जे होगा यानी कि गेट सी डब्ल्यू डी, ये फाइल आपकी यूज होगी करंट डायरेक्टरी अगर आपको निकालनी है, तो इसमें आप लिख लें 6 नंबर है जे। 3.7 में है दी ऑफसेट लोकल टाइम, अगर आपको निकालना है तो टाइम डॉट आल्ट जोन का हमको यूज करना पड़ेगा यानी कि ए उसमें बनेगा ऑप्शन 3.7 में। कन्वर्ट इन टू अ लिस्ट इन टू टपल, अगर हमको कन्वर्ट करना है लिस्ट टपल में तो 3.8 पे बी पे ऑप्शन आएंगे टपल और लिख देंगे सीक्वेंस। ठीक है, 3.9 है सो करंट पोजीशन विद द फाइल, करंट पोजीशन के लिए हमारे पास होगा टेल का यूज करना पड़ेगा यानी कि सी। 10 है इसमें एक्सप्लिसिटली रिमूव द एंटायर टपल, अगर हमको कोई एंटायर टपल को रिमूव करना है तो आई यानी कि डेल का यूज करना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा आपका आई। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं फटाफट, देखिए यही क्वेश्चन आपको कोर्स प्रोग्राम थ्योरी वाले में भी दिया गया। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 4.1 है इसमें जो ऑप्शन बनेगा, इसका जब आउटपुट निकालेंगे आप तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन दिया गया 24, तो यही इसका ऑप्शन बनेगा 24। ठीक है, तो 4.1 का हो जाएगा बी आपका। 4.2 है लेट कंसीडर दी फॉलोइंग पाइथन कोड, ए बराबर 2 है, बी ये दिया है, तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन जो होगा इसमें फॉल्स होगा यानी कि एल बनेगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, एल हो जाएगा सेकंड वाले में। थर्ड है रिकर्सिव फंक्शन यूजली टेक लेस मेमोरी, तो इसमें हो जाएगा आपका लेस मेमोरी, कहाँ दिया है के, 4.3 का के हो जाएगा। 4.4 है पाइथन प्रोग्रामिंग किसने डेवलप की है, तो गुइडो वैन रोजो, ऑप्शन बनेगा यहाँ पे एच। पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल टेक्निक प्रोग्रामिंग इनकैप्सुलेट कोड विद इन ऑब्जेक्ट्स, तो ऑप्शन बनेगा जे। 4.6 है रिटर्न द करेंट टाइम इनसाइड, आपको निकालना है तो टाइम डॉट टाइम, ये ऑप्शन बनेगा ए। 3.6 में ए हो जाएगा। 7 है ऑल ऑल पैरामीटर आर्गुमेंट इन द पाइथन, किसमें आपके पास्ट बाई ऑप्शन दिया होगा आपका, इसमें देखिए लोकल वेरिएबल, तो ऑप्शन सॉरी रेफरेंस पास बाई रेफरेंस डी ऑप्शन बनेगा। 4.8 में आपका एफ हो जाएगा जो कि है यहाँ पे दिया है लोकल वेरिएबल, इसमें आपका एफ हो जाएगा। 9th में हो जाएगा द डिफरेंट बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट, सी होगा इसमें यानी कि पैरेंथेसिस से हमको उसमें सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। लास्ट है दी पाइथन कन्वर्ट न्यूमेरली, आपको करना है एक्सप्रेशन कॉमन टाइप्स ऑफ इवेलुएट बट समटाइम नंबर स्पेशली आई, इसमें आएगा यानी कि फंक्शन के माध्यम से, तो उसमें लगा लें आई। ठीक है, तो मैच कर लें आपको जो भी ठीक हो, लगभग इसमें से जो हमने बताया अभी 30, इसमें से 30-30 हमारे ठीक है, इसमें से आप क्या अगर हो गए होंगे 20 या 25 तो बहुत अच्छी बात है। चलते ट्रू एंड फॉल्स को भी टिक कर लेते हैं, उसमें लगभग आपके ट्रू ही हैं क्वेश्चन जो है, मैं उनको भी देख लेता हूँ फटाफट, तो लगभग इसमें ऑप्शन ठीक है। तो इसमें पूछा गया है पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज है, इट इज डिजाइन हाईली अनरीडेबल, इसकी क्या इसको अब रीड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन बनेगा फॉल्स हो जाएगा, इसको अब रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन ने ड्राइव डेट मैनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडेड ए बी सी, ये जो आपकी लैंग्वेज दी गए क्या इसमें आपकी शामिल है, तो आप कह सकते हैं ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा। इन पाइथन असाइनमेंट फॉर मोर देन बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट अनुसार, जिन्हें ऑपरेशन ओवरलोडिंग के रूप में जाना जाता है, तो ये भी ट्रू है। लगभग इसमें ऑप्शन जो है इसमें हम लगाए हैं वो लगभग आपके ट्रू है, तो हम इसमें आंसर आप बता दे रहे हैं, आप टिक कर लें, इसमें जो ऑप्शन है जो लगे हुए एकदम ठीक लगे हुए हैं। ठीक है, जो उन्होंने लगाए हैं। हाँ, 8th है रिमूविंग एलिमेंट पॉसिबल, ट्रू है आपका, सॉरी ये आपका फॉल्स हो जाएगा, 8th नंबर आपका फॉल्स है। बाकी जो है आपके द टेल मेथड करेंट पोजीशन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ट्रू है। इफ ए कनेक्शन इस्टेब्लिश विद इन डेटा बेस कोर कनेक्शन, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 9 है आपका द फर्स्ट मेथड इंटली स्पेशल मेथड कॉल्ड कंडीशनल, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये लगभग आपके ऑप्शन जो है इसमें ट्रू ही होंगे। ठीक है, एक ही जो क्वेश्चन है इसमें आपका, दो क्वेश्चन जो आपके फॉल्स होंगे, पहला और 8th नंबर। ठीक है,
तो बाकी मैच के लिए अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप उसको कमेंट बता सकते हैं, इसको लाइक और शेयर कर दें, सी लैंग्वेज के लिए आपको सोल्यूशन मिलेगा।